अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात भी बताई थी कि एनिमल्स और प्लांट्स के सिस्टम्स में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर उतने एलैबोरेट और कम्प्लेक्स सिस्टम्स नहीं होते एज कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर मोर एडवांस्ड, मोर कॉम्प्लेक्स और इलेबोरेट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। आज के जो लेक्चर, आज आप लोगों को ये डिफरेंस पता लग जाएगा कि प्लांट्स के अंदर जब हमने गैसेस का एक्सचेंज पढ़ा था, दैट वाज वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में आप लोगों को पता चलेगा कि गैसेस का एक्सचेंज एनिमल्स के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। आज क्योंकि आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आगे स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस अकर्स थ्रू एयर पैसेज वे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। एयर पैसेज वे इज द मोड फॉर द गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एयर पैसेज वे वो तरीका है, या आप कह सकते हैं कि वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से या जिसके ज़रिए से ह्यूमंस के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब एयर पैसेज वे क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इट गोज आउट। द एयर पैसेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एयर पैसेज वे वो रास्ता है, ठीक है, वो एक रास्ता है जो कि मुख्तलिफ पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। अब उसमें से किस तरह से एयर अंदर आती है, फिर लंग्स में जाती है, लंग्स के अंदर एयर जो होती है ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाती है और फिर वापस जाती है और हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। इट्स मीन कि ऑक्सीजन का अंदर आना, उसका एक रास्ते से गुजरना बॉडी में से, ठीक है, और फिर उसका कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज होना, फिर उसका वापस अपनी जगह पे जाना और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना, ये खारिज हो जाना, इस चीज़ को, ये पूरा एक रास्ते के जरिए से होता है, पूरा वे के जरिए से होता है, इसको हम लोग कहते हैं एयर पैसेज वे। अब नीचे लिखा हुआ है कि एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इसके लिए वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड के आगे क्या लिखा हुआ है। ओके, ये जो स्लाइड है, ठीक है, इस स्लाइड से हमें पता चलेगा कि जो एयर पैसेज वे है वो कौन कौन से पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है और वो कहाँ कहाँ से एयर गुजरती है, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपलर पाथ, मैंने आप लोगों के लिए इसको बड़ा सिंपल बनाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि एयर कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें देखें, ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम इन्वायरमेंट। इट्स मीन कि इन्वायरमेंट से हवा आएगी जिसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन होगी, उसके बाद हमारे नाक के जरिए से, नेजल कैविटी के जरिए से, जो हमारी नाक की बॉडी होती है ना, ठीक है, बॉडी ऑफ नोज, उसको हम लोग कहते हैं नेजल कैविटी, उसके जरिए से हवा अंदर जाएगी। फिर क्या होगा, नेजल कैविटी के बाद आता है, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स भी, हमारी जो हमारी ओपनिंग्स होती हैं नोज़ की, ठीक है, उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रिल्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। एक्सटर्नल जो हमें बाहर की तरफ नज़र आ रहे होते हैं वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, और जो अंदर इससे आगे होते हैं वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। उन इंटरनल नॉस्ट्रिल्स से हवा गुजर के आगे जाती है फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, एक मस्कुलर पैसेज है, उसके बाद फेरिंग्स से हवा गुजरती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या है, एक विंड पाइप है, समझ आ गई मेरी बात की, ठीक है। और ट्रेकिया के अंदर एक सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बाद में साथ साथ डिस्कस करूंगी, अभी सिर्फ हम लोग पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। उसके बाद है, ट्रेकिया से गुजर के जाएगी ब्रोनकाई, ठीक है, ब्रोनकाई भी एक छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोनकाई फर्दर डिवाइड होती हैं ब्रोनकियोल्स में, ठीक है। उसके बाद ब्रोनकियोल्स फर्दर डिवाइड होती हैं एल्विओलाई में, यहाँ से हवा गुजरती है। एल्विओलाई जो होती है वो लंग्स के अंदर होती है, आप कह लें कि लंग्स का जो यूनिट है ना, ठीक है, वो एल्विओलाई होता है। अब एल्विओलाई के बाद क्या होता है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाती है, मतलब ये कि ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाती है एल्विओलाई के अंदर, समझ आ गई मेरी बात की। उसके बाद क्या होता है, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, फिर वो वापस ब्रोनकियोल्स में जाती है, फिर ब्रोनकाई में जाती है, समझ आ गई मेरी बात की, फिर ट्रेकिया, फिर फेरिंग्स, फिर नेजल कैविटी, और एट द एंड अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से बाहर मूव कर जाती है। ये एक सिंपल पैसेज था एयर का, ठीक है, एयर कैसे गुजरती है, ऑक्सीजन किस तरह से गुजरती है, आगे हम इसकी डिटेल देखते हैं।
ये एक डायग्राम है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर नेजल केविटी है, ठीक है, उससे हुई जो एयर वो एंटर होती है, उसके बाद फेरेंक्स आ जाता है, ठीक है, फेरेंक्स के बाद ही एक और इसमें पार्ट भी आता है लेरेंक्स का, ठीक है। लेरेंक्स आपको पता है कि वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, समझ आ गई मेरी बात की। उसके बाद है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद है, ठीक है, ब्रोनकियोल्स हैं, लंग्स हैं, ब्रोनकाई है, उसके बाद एल्वियोलाई हैं, और फिर लास्ट में डायाफ्राम है। इन सारी चीज़ों से कर हवा हमारे अंदर जाती है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है, वैसे आपको उम्मीद है कि समझ थोड़ी बहुत आ गई होगी, लेकिन हम लोग डिटेल से इसको देख लेते हैं कि किस किस तरह से जो है वो एयर वो गुजरती है बॉडी के पार्ट्स से, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट लिखा हुआ है, द नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी, मतलब ये है कि जो बॉडी ऑफ नोज कहलाती है उसको हम लोग कहते हैं नेजल कैविटी। इट ओपन्स थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड नोस्ट्रिल्स, आपको पता है कि हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, दो नोस्ट्रिल्स होते हैं, पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसके जरिए से हवा जाती है। उसके बाद नेजल कैविटी इज डिवाइडेड बाय टू पोर्शंस बाय अ वॉल विच आर लाइंड बाय द फाइन हेयर एंड म्यूकस। आपको पता है कि जो हमारी नाक की बॉडी है ना, चाहिए पूरा जो नाक होता है, इसको नेजल कैविटी बोलते हैं। अब दरमियान में आपको पता है एक वॉल होती है, ठीक है, उस वॉल से डिवाइड हुए होते हैं हमारे दो नोस्ट्रिल्स, समझ आ गई मेरी बात की। और आपको ये भी पता है कि हमारे जो नोज होता है, ठीक है, उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है और फाइन हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब उनका क्या काम है, म्यूकस फिल्टर्स द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर एंड इट आल्सो मॉइस्चराइज एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर। अब क्या होता है कि जो म्यूकस नाक के अंदर प्रेजेंट होता है ना, वो क्या करता है कि अगर जाहिर सी बात है हवा के साथ डस्ट पार्टिकल्स भी तो नाक के अंदर जाते हैं ना, ठीक है, तो वो उन डस्ट पार्टिकल्स को एक तरह से फिल्टर करते हैं, ठीक है, म्यूकस के साथ वो स्टिक कर जाती हैं, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जा पाते हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और जो भी एयर जा रही होती है वो उसको सॉफ्ट भी करती है, उसको मॉइस्चर भी करते हैं ये जो डस्ट पार्टिकल्स, उसको फिल्टर करके, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब देखते जाए आप लोग, सबसे पहले नेजल कैविटी में जाती है, उसके बाद नेजल कैविटी के अंदर जो हेयर वगैरह होते हैं वो उससे डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर देते हैं और प्योर एयर जो है अब हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। अब देखिए आगे आगे कहाँ जाती है, नेजल कैविटी ओपन्स इनटू अ फेरेंक्स बाय टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे दो तरह के नोस्ट्रिल्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल वो जो हमें बाहर की तरफ नजर आ रहे होते हैं, इससे आगे थोड़ा सा जाएं तो इंटरनल नोस्ट्रिल्स होते हैं। इंटरनल नोस्ट्रिल से गुजर कर आगे फेरेंक्स आता है, समझ आ गई मेरी बात की। सबसे पहले नेजल कैविटी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल्स और देन फेरेंक्स आता है, समझ आई। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज कॉमन टू बोथ एयर एंड फूड, समझ आई। अब देखिए फेरिंग्स जो होता है एक मस्कुलर पैसेज है, आगे लिखा हुआ है कि बोथ एयर एंड फूड, ठीक है, कि आगे इससे दोनों फूड और फूड पाइप और विंड पाइप गुजरती है, समझ आई मेरी बात की, फेरिंग्स से आगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इट एक्सटेंड इन टू अ ओपनिंग ऑफ एसोफेगस एंड लेरेंक्स। अब ये आपको पता होगा कि आगे एयर अब फेरेंक्स से गुजर कर जाएगी लेरेंक्स के अंदर, ठीक है। लेरेंक्स क्या होता है आपको पता है, लेरेंक्स वॉइस बॉक्स है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। आगे देखते हैं क्या होता है, ग्लॉटिस अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स लीड्स इन टू अ लेरेंक्स। अब देखिए पता है क्या होता है कि फेरेंक्स के ऊपर एक बहुत छोटी सी ना ओपनिंग होती है, समझ आ गई, उस ओपनिंग से आगे लेरेंक्स लीड होता है, ठीक है, जिसको हमने वॉइस बॉक्स कहा, ठीक हो गया। सबसे पहले फिर मैं रिपीट कर दूं, नेजल कैविटी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, फिर फेरेंक्स, फिर लेरेंक्स, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखें एक और यहाँ पे चीज लिखी है, टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स वोकल कोर्ड्स आर स्ट्रेस्ड अक्रॉस लेरिंग्स। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, जब एयर वहां पे एंटर होती है ना, ठीक है, लेरिंग्स के अंदर, तो वहां पे वोकल कोर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फाइब्रस बैंड्स हैं। जब एयर का प्रेशर उस पर पड़ता है तो वो जो फाइब्रस बैंड्स हैं, ये वोकल कोर्ड्स, वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखें एयर जो है वो लंग सॉरी लेरिंग्स तक आ गई है, आगे कहाँ जाती है, लेरिंग्स कॉन्टिन्यूस टू ट्रेकिया, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया को हमने विंड पाइप भी कहा और ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, लाइज इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस के सामने होती है। उसके बाद हैज सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स इन द वॉल दैट कीप द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब पता क्या होता है, देखिए मैं फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में आई, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया में अब हवा आने जाना है। अब वहां पे बहुत ज्यादा हवा हो जाती है, ठीक है, अब ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेजेनियस सी शेप्ड,
ठीक है, सी जो होता है ना, ए बी सी, सी की शक्ल के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन रिंग्स का क्या फायदा होता है, उनके रिंग्स का ये फायदा होता है कि जब हवा का प्रेशर वहां पे बहुत ज्यादा होता है ना, तो वो ट्रेकिया के जो रिंग्स होते हैं वो खुल जाते हैं ताकि हवा का प्रेशर वहां पे मेंटेन हो जाए। अगर वो वहां पे ना हो तो वो बंद ही होता, तो फिर तो वो फट जाएगी ना ट्रेकिया, ऐसी है ना, ठीक है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो जब सी शेप होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पर वो थोड़े से खुल जाते हैं और वहाँ पे हवा का प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाता है। समझ आ गई। अब ट्रेकिया से आगे दो स्मॉलर ट्यूब्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोनकाई। समझ आ गई मेरी बात की ब्रोनकाई में हवा जाती है, उसके बाद कहाँ जाती है, ब्रोनकाई एंटर्स द लंग्स, फिर लंग्स में जाती है, डिवाइड्स इंटू सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोनकियोल्स। ब्रोनकाई से लंग्स में जाती है और लंग्स के बाद वहां पे ब्रोनकियोल्स में जाती है। ब्रोनकाई से फर्दर छोटी छोटी सी ट्यूब्स निकलती हैं जिनको हमने ब्रोनकियोल्स कहा। ब्रोनकियोल्स एंड्स एट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट्स। अब लंग्स के अंदर छोटी छोटी सी आगे ब्रोनकियोल्स से आगे फिर एक छोटी छोटी सी नालियां होती हैं जिसको हमने कहा एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। उसके बाद एल्वियोलर डक्ट्स ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई। अच्छा, एल्वियोलाई कहते हैं इसको हम लोग, सैक्स कहते हैं, ठीक है। ये सैक्स की फॉर्म में होती है, पाउचेस की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट्स आगे एल्वियोलाई बनाती हैं जहां पे हवा जाती है, ठीक हो गया। आगे आज का लेक्चर इतना ही था, आगे लेक्चर में देखे थे ये सारा आज का था एयर पैसेज वे। आप लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छी तरह से इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।